हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर चेंज कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको देखनी है और फॉलो करनी है। तो वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ऑन करनी है। यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले का। आपको उस पर टैप करना है। यहाँ से आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलता है एडवांस्ड का। आपको उस पर टैप करना है। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस शो होने लगते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉल पेपर का। आपको उस पर टैप करना है। देन यहाँ से आपको फोर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको वॉल पेपर पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपके सामने बहुत सारे वॉल पेपर्स ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो पसंद हो आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो वॉल पेपर पसंद हो आपको उस पर टैप करना है। देन यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है अप्लाई का। आपको सिंपली अप्लाई पर टैप कर देना है। यहाँ से आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, होम स्क्रीन वॉल पेपर, लॉक स्क्रीन वॉल पेपर, बोथ। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग वॉल पेपर सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर बोथ पे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन का वॉल पेपर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में वॉल पेपर चेंज कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।